सुरक्षा के साथ साथ वामपंथी उग्रवाद के लिए भी आईटीबीपी को कई जगह पे लगाया गया है और वहां पर भी आईटीबीपी के जवानों के शौर्य की किस्से किसी और बल से कम नहीं। आईटीबीपी की सकारात्मक भागीदारी सुरक्षा के अलावे भी ढेर सारे क्षेत्रों में, चाहे पर्वतारोहण का हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स का हो, चाहे वृक्षारोपण का हो, चाहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर हर घर तिरंगा अभियान में साथ लेना, सीमावर्ती गांवों में देशभक्ति जगाना हो, उनके लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई है उन योद्धाओं को जमीन पर पहुंचाना हो, हर जिम्मेदारी जो आईटीबीपी को दी गई वो आईटीबीपी ने सुपेरे बहुत संतोषजनक तरीके से उसको उसका निर्वहन किया है, इसको पार उतारा है। समग्र देश इसके लिए आईटीबीपी पर गर्व करता है, परंतु मेरे लिए विशेष बात है कि मैं देश का गृह मंत्री हूं। मुझे हमेशा गर्व होता है कि देश की सबसे कठिन सीमा पर हमारे हिमवीर डटे हुए हैं, इसलिए देश की ये सीमा सुरक्षित है, इसका मुझे हमेशा हमेशा भरोसा है। तो आप लोगों का जो बलिदान है, आप लोगों का जो त्याग है, उसको पूरा देश सम्मान करता है और मैं भी देश के गृह मंत्री के नाते फक्र से कहता हूँ, जब तक चाइना बॉर्डर का सवाल है, सूर्य की नोक जितनी भूमि भी चाइना अधिग्रहित नहीं कर सकता जब तक मेरा आईटीबीपी का जवान वहां उपस्थित है। इसी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं है।